हेलो डियर कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में स्कॉट ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्स ही रहे हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, तो रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी, उसके बाद इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो क्या नए पर्सन की एनर्जी रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे उनकी वापस आने की एनर्जी क्या होगी, और लास्ट में मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है, कैसा रहा है। एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि किस जिस बंदे या बंदे पर आपका दिल आ रहा था, हालांकि आपके पास यूनिवर्स जी ने और मौका दिया और अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन आप सैड रहे हैं, सैडनेस रही आपके इर्द गिर्द, आप उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाए जो आपको मिल रही थी। तो काफ़ी जो आप परेशानी और तकलीफ पास्ट में आपको मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं उस टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, एक नए रिश्ते की तरफ। तो अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी, लक आपके साथ, भाग्य आपके साथ रहा है, और ज़्यादा फ्लो में ना बहते हुए समय के साथ, फ्लो के साथ अगर आप आगे बढ़े हैं, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया है, वर्कआउट किया है, तो वही अपॉर्चुनिटी आपको एक अगर एक शुरुआत, एक बिगनिंग हुई है, तो वही अपॉर्चुनिटी आगे जाकर आपको एक ब्रांड न्यू बिगनिंग देगी, यानी कि रिश्तों में सुधार होगा, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही है, उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। तो नई जो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दी है, रिश्तों में सुधार होता दिखाई दिया है। जहां आपको अनबन लगी हुई थी, परेशानी बनी हुई थी, तो नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दिए और उसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दिए। धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो दुविधा, जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो चैलेंजेस थे वो खत्म होंगे और आपके रिश्तों में सुधार होगा, इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। और अभी भी हो सकता है कि आप उसमें वर्कआउट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। प्रेजेंट करंट एनर्जी कैप्रिकॉन के लिए कैसी रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन में हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे रिश्ते हों, या जो रिश्ता पास्ट में आपके पास आया था तो उसको लेकर आप कंफ्यूजन में हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको नए पर्सन की तरफ जाना चाहिए, उस जो यूनिवर्स से अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर उसी रिश्ते की तरफ वापस जाना चाहिए, उसी को मौका देना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है, हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन कन्फ्यूज्ड है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपको कदम बढ़ाने की इसमें सलाह दी जाती है, और क्योंकि तभी आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ पाएंगे। जो हो सकता है जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, तो वो हो सकता है कि वो पहले से ही किसी और रिलेशन में हो, या फिर कुछ ऐसा दुख तकलीफ दिया है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी एंजाइटी या स्ट्रेस में हैं, आप परेशानी और दुविधा में हैं, आप चाहकर भी नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं बुला पा रहे हैं, आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, चाहकर भी आप उस पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं कि चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, आप उठेंगे चलेंगे, और इस सोच के साथ कि
अगर आप इसमें नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत करते हैं तो अंधकार का छटना होगा, अंधकार खत्म होगा, उजाला होगा, एक बिगनिंग एक शुरुआत होगी, रिश्तों में सुधार होगा। और अगर जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह जो निकलती है वो अपनी पूरी रोशनी के साथ आती है, और रात के बाद दिन होता है उजाले और अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो इसी उम्मीद के साथ आप फिर भी महसूस कर रहे हैं कि आपको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, आपको मौका देना चाहिए, तो इस तरह की कंफ्यूजन या दुविधा में आप दिखाई दे रहे हैं। तो सोच विचार करके ही आपको इसमें कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक उन परेशानियों से, उन उलझनों से नहीं बाहर निकलेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी आपकी बिगनिंग और शुरुआत होगी, तभी आपकी लाइफ में रोशनी होगी जब आप उस अंधकार को खत्म करेंगे। तो देख लेते हैं, अगर नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। द मैजिशियन, द फूल, जी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आपके वो हो सकता है कि कंट्रोलिंग नेचर का बंदा हो सकता है, आपके आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर सकता है। और अगर वो कमिटमेंट वगैरह देता है तो वो अपने वादे पर खरा भी उतरेगा। तो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो नए पर्सन की एनर्जी अच्छी बन रही है, उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, और एक जो आप जिस चीज के लिए आप इतने लंबे समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो आपकी दिली तमन्ना थी, कहीं ना कहीं अगर आप एक दूसरे से को माफ कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार हो सकता है और नए रिश्ते की तरफ आप बढ़ सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि उस पर्सन को आप पहले से जानते हो, किसी फ्रेंड के, किसी दोस्त, किसी सहेली के रूप में, तो उसी पर्सन के साथ आप चाहते थे कि लाइफ पार्टनर बने, तो कहीं ना कहीं वहाँ अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे या फिर कमिटमेंट वगैरह देंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। या थोड़ा सा आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, जंप नहीं लगाते, तो नए सिरे से एक बिगनिंग एक शुरुआत हो सकती है। जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो जो भी वादा करता है, जो भी कमिटमेंट वगैरह देता है, वो खरा उतरता है। एक अच्छी जॉब, एक अच्छी पर्सनैलिटी उस बंदे की हो सकती है, अथॉरिटी वाला पर्सन हो सकता है, काफ़ी खुश आप उनके साथ रह सकते हैं। प्यार तो इतना नहीं दिखाने वाला, इमोशंस इतने नहीं होंगे, लेकिन प्यार खूब करेगा, अंदर से अपने फर्ज सारे निभाने वाला होगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर आप उस पर्सन के जाते हैं, के लिए जाते हैं, तो रिश्तों में सुधार होगा और एक ये रिश्ता खुशहाल रहेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा, तो तभी रिश्तों में सुधार हो सकता है, तभी ये रिश्ता आपके लिए अच्छा जा सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा होगा, अच्छी जॉब होगी, कोई जज हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई जो है एक्टिंग लाइन में हो सकता है, तो जो भी, या फिर शिप वगैरह में जो होता है, मतलब बहुत फॉरन की भी जॉब उनकी हो सकती है। तो देख लीजिए, अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं, मतलब नए पर्सन की एनर्जी आपके लिए यस है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो आपका पर्सनल मैटर है। पुराने पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अभी जो बंदा या बंदी है वो अभी उनको लग रहा है कि उन्हें सिंगल रहते हुए ही अभी कोई किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, सिंगल रहते हुए ही अपना जॉब बिजनेस मनी, पैसा, प्रॉपर्टी
इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐसो आराम होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो रिश्ता बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो अभी रिश्ते में जाने से पहले वो सेल्फ अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता आगे जिस भी रिश्ते में जाए वो फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। हीलिंग, क्योंकि हो सक जो पास्ट में उन्हें दुख तकलीफ हुआ था या तो उसको हील करना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को रेस्ट और आराम देंगे, तो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और पॉजिटिविटी आएगी, रिश्तों में सुधार होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, जो भी यूनिवर्स ही सोचेंगे विचारेंगे वो उनके लिए सही होगा, लेकिन अपनी तरफ से वो अभी रिश्ते में आने से पहले सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं। उनका डिजायर है, उनका एम है कि वो सिंगल रहते हुए पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करें, ताकि फिर से कोई प्रॉब्लम उनके रिश्ते में ना आए। और एंजल जी मैसेज दे रहे हैं, पीछे से आवाज़ दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता आपको खुशियां दे सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, सब कुछ हो सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, यूनिवर्स से मैसेज देना चाहते हैं कि जो रिश्ता, जो आप स्टक हो चुके हैं या रिश्ता स्टक हो चुका है, रुक चुका है, थम चुका है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और अपना नज़रिया, या अगर आप नज़ारा चेंज नहीं देख पा रहे हैं, नज़ारा नहीं देख पा रहे हैं, तो नज़रिया चेंज कीजिए, या तो अपने नज़रिए से या तो सामने वाले की चीज़ों के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए, रिश्तों में सुधार हो और आप आगे बढ़ सकें। और अगर आप इसमें कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये इकरार करते हैं कि आगे उनकी तरफ से कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी, वो घर आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई वाद विवाद, कोई झगड़ा नहीं होगा, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी में ये रिश्ता कन्वर्ट हो सकता है। और अगर पहले से लव रिलेशन में थे या शादी में थे, तो दोबारा से फिर से सहनाइयाँ, खुशियों का माहौल बन सकता है। अगर आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था, डाइवोर्स हो चुका था, या जो भी परेशानी रही थी, तो अगर आप एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो फिर से जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं, फिर से वापस से खुशियां आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।